टू पार्ट चाहिए इसे क्विल्टेड। एक को हमने क्विल्ट करके रख दिया है, एक मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्विल्ट करना है। राइस बैग, ऐसे टू राइस बैग के पीस चाहिए, टू फॉर्म सीट और टू मेन फैब्रिक हमें चाहिए। ऐसे हमें पहले नीचे मेन फैब्रिक रखना है और बीच में हमें फॉर्म सीट रखना है और लास्ट में ये राइस बैग, और हमें इसे क्विल्ट करना है ऊपर से और बाद में हमें लाइनिंग जोड़ना है। हमने टू पार्ट को इसे क्विल्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये टू लाइनिंग का पीस जोड़ देना है इसे पीछे से। ऐसे पीछे से हमें लाइनिंग का पीस जोड़ देना है, ऐसे पीछे से हमें लाइनिंग का पीस जोड़ के हमें पूरा राउंड में इसे स्टिच कर देना है। सेम इसे भी हमें जोड़ देना है। टू पार्ट में हमने लाइनिंग का पीस जोड़ दिया है। अब हमें इसे जिप के लिए इसे हमें मार्क कर देना है ऊपर से, कौन से बैक पार्ट को हमें मार्क कर देना है। 2.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है, पूरा लास्ट तक इसे मार्क कर देना है। पहले हमने मार्क कर दिया है, अब हमें इसे इसके साइज के हमें ये जिप लगानी है, इसके साइज की जिप लगानी है। हमने जीप को अटैच कर दिया है ऐसे। अब हम पीछे लाइनिंग का पीस जोड़ देना है इसके साइज का, ये लाइनिंग का पीस जोड़ देना है हमें ऐसे पूरा डबल में से स्टिच कर देना है। हमने पॉकेट के लिए ऐसे पीछे लाइनिंग का पीस जोड़ दिया है। अब हमें इसे शेप देना है। शेप देने के लिए हमें एक पार्ट को लेना है, इसे बीच में हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ से ऊपर से हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है और नीचे भी इस कोने में भी हमें 1 इंच पे इसे मार्क कर देना है और इसे हमें गोलाई देनी है नीचे की तरफ और सेम ऊपर की तरफ हमें गोलाई देनी है इसे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे यहाँ तक हमें कट कर लेना है। हमने इसे शेप में कट कर दिए है। सेम ये पार्ट हमें यहाँ रख देना है इस पे और इसे भी हमें शेप में कट कर देना है, इसे यहाँ पूरा शेप में कट कर देना है। इसे भी हमने शेप में कट कर दिए दोनों पार्ट को। अब हमें इसे सेंटर मार्क कर देना है स्ट्रिप लगाने के लिए। हमें हमने मार्क कर दिया सेंटर मार्क पे इसे। अब सेंटर से हमें 2.5 इंच पे यहाँ और 2.5 इंच यहाँ इस साइड हमें मार्क कर देना है और हमें स्ट्रिप जोड़नी, स्ट्रिप चाहिए, ये टू स्ट्रिप चाहिए हमें। इसकी लेंथ है 17 इंच, इसकी 17 इंच के हमें टू स्ट्रिप चाहिए। यहाँ इसे लगाने हैं हमें इसे, इसी साइड से सेम ये पार्ट को भी हमें ऐसे स्ट्रिप लगानी है। ये हमने स्ट्रिप जोड़ दिए टू पार्ट में। अब हमें
इसे अंदर का पॉकेट लगाना है। इसके लिए हमें ये लाइनिंग का पीस चाहिए, 6x6 इंच का हमें ये लाइनिंग का पीस चाहिए और 6 इंच की हमें जिप चाहिए। हमें ऊपर से 1.5 इंच पे मार्कर देना है, पहले यहाँ मार्कर देना है और पट्टी कट करके ऊपर एक जिप लगानी है। और ये जो पीस है लाइनिंग का 13 इंच का, इसे हमें यहाँ और यहाँ पैक कर देना है। स्ट्रिप जोड़ दी हमें 2 पार्ट में। अब हमें जिप के लिए पट्टी बनानी है। ये हमें 12 पीस चाहिए 1। इसके अंदर भी हमने फॉर्म सेट लाइनिंग का पीस लगा दिया और वाइस बैक 15 इंच की लेंथ है इसकी। इसकी लेंथ है 15 इंच और इसकी ब्रेथ है 4 इंच। इसके साइज के हमें ये जिप चाहिए 15 इंच की। हमें पहले से फोल्ड करना है और इसे बीच में हमें कट कर लेना है। हमने जिप लगा दी है इस पार्ट में। अब हमें और एक पार्ट चाहिए ऐसा, इसे हमें क्विल्ट कर दिया है। बीच में फॉर्म सीट लाइनिंग का पीस और राइस बैग लगा दिए है। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है 21 इंच। 21x4 का हमें 1 क्विल्टेड पीस चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट ऐसे लगाना है, ऐसे यहाँ स्टिच कर देना है और बाद में फोल्ड करके ऊपर ऐसे स्टिच करना है। सेम इसी साइड में हमें कर देना है, यहाँ स्टिच करके ऊपर ऐसे फोल्ड करके यहाँ जोड़ देना है। हमने जोड़ दिया ऐसे 2 पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसे स्टिच लाइन को इसे जोड़ देना है और इसे बीच में हमें सेंटर मार्क कर देना है। इसी साइड सेम इसी साइड हमें हमें सेंटर मार्क कर दिया है। अब हमें एक कौन सा भी पार्ट लेना है हमें, हमें ये सेंटर मार्क है यहाँ मिलाना है हमें सेंटर मार्क से, और इसे पूरा हमें इसी साइड हमें पूरा राउंड में स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमें ये पार्ट में ऐसा ये सही मेन फैब्रिक वाला नीचे कर देना है और इसे ऊपर से हमें स्टिच कर देना है।
नैरो है, बहुत ही यूजफुल बैग है ये, बहुत ही आसानी से बन सकता है और कम समय लगता है इसे बनाने में। आप भी इसे बैग बना के देखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।